एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की आंख में चोली। आखिर राहत मिली तो मिली कैसी? हाथ के पंखे के सहारे सुबह से शाम हो रही है और शाम से रात, मगर राहत नहीं मिल पा रही। पसीने से तर बतर होती ये उसी मोहनलालगंज की तस्वीरें हैं, जहां 23 से 24 घंटे बिजली देने के हाहाकारी दावे होते हैं, लेकिन हकीकत और हालात आपके सामने हैं। लोगों की रातें जाग जाकर गुजर रही हैं और दिन का तो पूछे ही मत। लोग गिन नहीं पाते हैं कि कितनी बार बिजली आई और कितनी बार गई। और चलते कोई पेड़ गिर गया, कोई क्या, जो जाओ एप्लीकेशन दो जाए तब आते हैं, कहेंगे अभी कोई है नहीं, जब टाइम मिलेंगे तब भेज देंगे। सुबह फेस उड़ा तो शाम को जुड़ा, 8 बजे 9 बजे 7 बजे इससे जुड़ता है। लोगों की हवाइयां उड़ी हैं और बिजली विभाग कभी हवा पर ठीकरा फोड़ता है तो कभी फॉल्ट वाला बहाना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट भी परेशान है। बिजली के बिना ना तो रात को पढ़ाई हो पा रही है और ना ही दिन को। सर पढ़ाई करने में दिक्कत आती है, पेपर आ रहा मेरा RRB का, उसमें भी रात में तैयारी करनी पड़ती, अब लाइट ही नहीं आती तो पढ़ने में बहुत दिक्कत पड़ती है, दिन को भी गर्मी के मारे नहीं पढ़ाई हो पाती है। सिर पकड़कर बैठे ये लोग पानी के प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी हैं। बार बार बिजली कटने से पानी का प्लांट कैसे चलेगा, इसीलिए ज्यादातर वक्त प्लांट में खाली बैठना पड़ता है। ये कटिंग इतनी करते हैं, हर घंटे डेढ़ घंटे में कट करते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी लॉस होता है। हम लोगों की मशीनरी फैक्ट्री का काम है, टेम्परेचर बन नहीं पाता है और जितनी देर में बनता है फिर वो उतनी देर में फिर लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से लेबर खाली बैठी रहती है और इससे हमारा बहुत लॉस होता है और बिजली का बिल दे पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब किसी अधिकारी इसके लिए बात करते हैं तो वो भी बहुत टाल मटोल करते हैं। लोग परेशान हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के पास वाहनों की इतनी भरमार है कि पूरी किताब छप जाए। 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था का राग तो अलाप रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हवा के चलते फॉल्ट हो जाता है और ओवरलोडिंग भी एक समस्या है। कहीं फॉल्ट होता है, कहीं तार टूट जाए या वैसे भी फॉल्ट होते रहते हैं, तो उस वजह से लंबी लाइन होने के नाते बिजली बंद करनी पड़ती है। या जैसे इधर है पेड़ कटिंग वगैरह करवा रहा था कि लोगों को सुचारू रूप से बिजली मिलती रहे, तो उसके कारण भी कभी कभी बंद करवाना पड़ जाता। शट डाउन या लोगों के फॉल्ट दूर करने में 1 से 1.5 घंटे कम हो जाती है, तो 22 घंटे 23 घंटे हम लोग सप्लाई गाँव में दे रहे हैं। यही हाल दीवानगंज गांव का भी है। लोग बिजली कटौती से परेशान हैं, क्योंकि बिजली का असर पानी की सप्लाई पर भी पड़ता है। अब भरी गर्मी में बिजली पानी जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी तो जिंदगी कैसे चलेगी। अभी गर्मी की शुरुआत हुई है, लेकिन लोगों की परेशानी यही है कि बार बार बिजली कट जाती है और शिकायत करने पे ये कहा जाता है कि हवा चलने के कारण ये बिजली काटी गई है। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से, जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी बार यहाँ पे बिजली कटती है, कितनी बार बिजली दिन भर में कट जाती है। दिन भर में 6-7 बार कटती है। और क्या कहा जाता है बिजली कटने पे? हवा के कारण जो है रोक दी जाती है। अच्छा, और रात में कितनी बार बिजली कट जाती है? रात में भी 4-5 बार कट जाती है। और कितने घंटे के लिए कटती है? 1-2 घंटा। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती है बिजली कट जाने से? आपको अगर बात करें कि बताया जा रहा है कि दिन में 4-5 बार बिजली कट जाती है। बत्ती चली जाती तो गर्म लगती है, मच्छर लगते हैं और सोने में लड़कन का तो दिक्कत होती ही है, बस यही दिक्कत है। और क्या कहा जाता है अगर बिजली कट जाती है तो? अब हमको लोगों को यही पता है कि हवा ज्यादा जोर चल रही है तो बत्ती यही लिए काटी जा रही है, आग वाग न लग जाए, बस यही दिक्कत है। ये पहली बार नहीं है जब गर्मियां शुरू होते ही बिजली पानी का संकट खड़ा हो गया है। हर साल यही हालात होते हैं, मुकम्मल व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं मगर गर्मियां चढ़ते ही सारे दावे भी पिघल जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दावों से आगे बात कब बढ़ेगी। लोमस झा, जी मीडिया, लखनऊ। तो
लखनऊ का हाल आपने देखा, अब आपको मेरठ का हाल भी दिखाते हैं। यहां भी भीषण गर्मी के साथ ही बिजली की किल्लत शुरू हो गई है। बिजली कटौती के चलते गर्मी का प्रकोप लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। गर्मी के बढ़ते टॉर्चर के बीच बिजली की आंख मिचौली ने परेशानियों में इजाफा कर दिया है। छतों में लगी कुंडी में टंगे पंखों की रफ्तार थम गई है। आम हो गई है पंखा झलने की तस्वीरें, लेकिन पंखा झलने से आराम कहाँ मिलता है? बिजली की समस्या तो यही है, आती है और चली जाती है। लोडिंग ज्यादा है, बिजली की ठीक नहीं हो रही है, पानी की भी समस्या हो जाती है। बिजली जाने से परेशानी तो जनता को है ही है। बस लाइट आती जाती रहती है, परेशानी है। कभी आती है, दो दो घंटे जाती है, चली जाती है। परेशानी तो है ही, पानी की भी परेशानी हो जाती है। जैसे कि पानी नहीं आता है, लाइट चली जाती है, पानी भी नहीं आता है, और जिसको पब्लिक को भी परेशानी है, और परेशानी तो है ही। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, कहर बरपाती गर्मी के बीच बिजली कटौती ने हर किसी को परेशान कर दिया है। कभी हाथ के पंखे से पसीना सुखाने की कोशिश होती है, तो कभी हाथ के पंखे की जगह अखबार हाथ में आ जाता है, लेकिन बिजली नहीं आती। परेशानी, लाइट आती ही नहीं है, गर्मी से बच्चे परेशान, मच्छर है। कितने घंटे लाइट आती है? कम से कम 10-1 घंटे तो लाइट रहती नहीं है। हमारा जागृति बिहार का मोहल्ला है, इसमें पार्षद आते हैं, उनकी शक्ल फिर 5 सालों तक कभी दिखाई नहीं देती। जब वोट आएंगी तब पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि यहाँ से पानी की समस्या कराएंगे, बिजली की समस्या दूर कराएंगे, नालियों की, सीवरों की समस्या दूर कराएंगे। पर भाई साहब, वोट लेने के बाद और जीत जाने के बाद यहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। वहीं बिजली विभाग का तर्क है कि क्षेत्र में इंसुलेटेड केबल बिछाया जा रहा है, जिसके चलते बिजली कटौती की जा रही है, जल्द ही समस्या सुलझा ली जाएगी। ग्रामीण अंचलों में अनवरत विद्युत आपूर्ति का आदेशित किया है, वहाँ भी शहर की भांति हमने आदेशित किया है कि 24 घंटे आप बिजली दीजिए। अधीक्षण अभियंता जो कार्य हैं, जो इसको देखते हैं, एमडी सर के कार्यालय में तैनात हैं। ये कैपेसिटर बैंक्स का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। इसके बाद जो है, कहीं कहीं अगर सुदूर इलाकों में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। बिजली विभाग जरूर जल्द से जल्द बिजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने की बात कह रहा है, लेकिन इंसुलेटेड केबल बिछाने का कार्य जिस गति से जारी है, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मेरठ और आसपास के इलाकों में जल्द बिजली की समस्या से निजात मिलने वाली है। राजीव शर्मा, जी मीडिया, मेरठ। कहने को चित्रकूट जिले में 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है, मगर हकीकत और हाल में मेरठ और लखनऊ से इसकी हकीकत जुदा नहीं है। बिजली घंटों गुल रहती है और भरी गर्मी में लोग का पसीना पसीना हो रहा है। वक्त की रफ्तार तो वही है, मगर जिंदगियां थम सी गई हैं। एक तो भीषण गर्मी ने जीना मुहाल किया है, और ऊपर से बिजली कटौती मार पर महामार का सबब बनी है। बिना बिजली के पंखे खामोश हैं और लोगों की आह निकल रही है। ये बच्ची कुछ दिन पहले ही इस दुनिया में आई है, मगर अभी से दुश्वारियां शुरू हो गई है। दूध मुही बच्ची गर्मी से परेशान है। माँ ने बच्ची के ठीक सामने पंखा तो लगाया है, मगर बिना बिजली सब बेकार है। अब हाथ का पंखा चलाए भी तो कितनी देर तक? लाइट नहीं रहती घर में, जो है तो बच्ची भाई है, तो जो है तो गर्मी के मारे बिल्कुल पहुँच रहा है। ऐसे में गर्मी तो पसीना निकाल रही है, मगर बिजली कटौती ने लोगों का तेल निकाला हुआ है। लोग छटपटा रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं और बाहर से अंदर, मगर राहत कहीं नहीं मिल पा रही। गर्मी से बुखार भी आ रहा है और मृत्यु भी हो रही है। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं तो उनको दिक्कत होती है, और बच्चों को दिक्कत है जिससे तबीयत खराब होती है। लाइट यहाँ आती तो है, लेकिन सैकड़ों बार टिप करती है। इस तरह की दिक्कतें हैं, रात में भी यही हाल है।
लोग परेशान हैं, मगर बिजली विभाग के अधिकारियों के दावे में कोई कमी नहीं। दावे तो अब भी 24 घंटे बिजली सप्लाई के हैं, बस परेशानियां थोड़ी बहुत और बेहद कम बताई जा रही हैं। जैसे लाइन में फाल्ट आता है तो वो सुरक्षा की तरफ से मशीन टिप कर जाएगी, अंतर जो है कोई भी बड़ा हादसा होता है। बुंदेलखंड में सूरज आग उगल रहा है। इस भरी गर्मी में न पानी का सहारा है न बिजली का। गर्मी बदन को पसीने से तर बतर कर रही है। प्यास बुझाने के लिए दो घूंट पानी का बंदोबस्त किसी जंग से कम नहीं, और दूसरा बिजली ने भी रुला रखा है। ओंकार सिंह, जी मीडिया, चित्रकूट। उधर बाराबंकी के देवा इलाके में धार्मिक स्थान होने की वजह से 24 घंटे बिजली देने के निर्देश हैं, लेकिन यहां दोपहर में रोज 5-6 घंटे की बिजली कटौती की जाती है, जिससे खासतौर से बच्चे बेहद परेशान हैं। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गर्मियों में बिना पंखे के पढ़ना पड़ता है। बाराबंकी का देवा इलाका जो राजधानी लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर दूर है, हालांकि राजधानी लखनऊ से सटे होने के कारण यहां पर भी नो पावर कट जोन किया गया है और वीवीआईपी इलाके में शुमार है। चूंकि देवा एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पर तमाम जगहों पर बिजली ना काटने के आदेश जारी हैं, लेकिन गर्मी का सीजन है और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बिना बिजली के पढ़ने के लिए मजबूर हैं, बिना पंखे के बैठे हैं। क्या नाम बेटा आपका? शिवांशी। ये बताइए कि बिजली नहीं आती है, पंखा नहीं चलता है, दिक्कत होती है? हाँ। कितनी दिक्कत होती है? देखिए, तमाम बच्चे हैं जो इस वक्त अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पढ़ने की लगन है और यही वजह है कि तमाम जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो इस धूप में यहाँ पर आए हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी बच्चे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? काजल। काजल, लाइट आती है? नहीं। कितनी दिक्कत होती है? गर्मी लगती है। परेशानी होती है? हाँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, ऐसे में लाइट ना आने की वजह से, पंखा ना होने की वजह से इन सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पढ़ने की लगन है और शायद यही वजह है कि तमाम जो बच्चे हैं वो इस वक्त यहाँ पर पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये तस्वीर राजधानी लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर दूर बाराबंकी के देवा इलाके की है और यही वजह है कि तमाम जो दावे हैं उनकी हकीकत जमीन पर पूरी तरह से खोखली दिखाई पड़ रही है। विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, देवा। वहीं बाराबंकी में बिजली कटौती से ग्रामीण भी परेशान है, सिस्टम से नाराज है, क्योंकि ना बिजली कटौती की सुध लेने वाला कोई है और ना कोई समस्या सुनने वाला ही है। बाराबंकी के देवा इलाके में सरकार के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देवा इलाके में नो कट जोन है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बिजली नहीं आती है। तमाम ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ये बताइए, बिजली आती है? बिजली जब तब आवत है, रात बिरात जब तिप जाओ तिप कट जाते, कोनो समय राहत है, कहूँ खाना का टाइम नहीं तो कहूँ पानी का टाइम नहीं, और जब बत्ती आवत है तो कोई काम का नहीं। कितनी दिक्कत होती है? काफी दिक्कत होती है, मीटर जल जाता है, एप्लीकेशन देते पड़े रहो और उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, ये वो ग्रामीण हैं जो यहाँ पर रहते हैं और इनका कहना है कि लाइट जब तब आती है और जब आती है तब उसके बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ऐन मौका होता है तब लाइट गायब रहती है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो घर वाले हैं इस वक्त बिना पंखे के अपने जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। तमाम महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादी आपका? राम दुलारी। लाइट आती है? लाइट नहीं आवा तो है, दुख बताएं, कम आवा था लाइट। दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं कि जो दिक्कतें हैं वो सामने दिखाई पड़ रही हैं और जो तमाम जो घर के लोग हैं वो बिना लाइट के, बिना पंखे के रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ महिलाएं भी, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रानी। लाइट आती है? नहीं जी। कितनी दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है, रात में भी चली जाती, खाने का टाइम चली जाती है, सुबह दफ्तर नहीं आए, 2 घंटा हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये बाराबंकी का देवा इलाका है जहां पर लाइट जो है वो नदारद है, और कहने को तो घर में बिजली के पंखे लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट लगी हुई हैं, बल्ब लगे हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बिना पंखे के ही लोग खाने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि इधर भोजन कर रहे हैं लेकिन चूंकि लाइट नहीं है इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत, कितनी दिक्कत आती है? लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है इस वक्त? नहीं, बत्ती आवत। दिक्कत होती है?
देखिए ये ग्रामीण हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर जो लाइट है वो नहीं आती है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर लाइट की सप्लाई होती है, जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन देशा साथ विशाल लघुवंशी, दी मीडिया, देवा।